तेलंगाना में कल 119 सीटों पर वोटिंग होगी, 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। कल शाम सबसे सटीक एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर आप जरूर देखिएगा, कतई भूलना नहीं है। लेकिन ये वक्त रैपिड राउंड का है, देश दुनिया की क्या अपडेटेड खबरें हैं पहले वो देख लीजिए। तेलंगाना की 119 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस के बीच टफ फाइट बताई जा रही है। बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने सीटों को लेकर बड़ा दावा किया। 3 तारीख के दिन सिर्फ बीजेपी और कमल ही खेलेगा। लगभग हम लोग 50 सीट तक टफ दे सकते हैं और 40 सीट तक हम जीत सकते हैं। हैदराबाद के जुबली हिल से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अजरुद्दीन को भी कांग्रेस के पक्ष में वोट पड़ने की उम्मीद है। कोशिश पूरी है हमारी, हमने तो पूरी कोशिश की, अच्छा टर्नआउट होगा और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। बीते 50 साल से ओवैसी परिवार के गढ़ हैदराबाद पर इस बार बीजेपी का विशेष फोकस रहा। अपने गढ़ को बचाने के लिए ओवैसी बंधु भी मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। आपको बता दें कि 2018 के चुनाव में 8 में से 7 सीटें ओवैसी ब्रदर्स ने जीती थी। 17 दिन बाद सुरंग से निकाले गए श्रमवीरों को मेडिकल जांच के लिए ऋषिकेश एम्स चिनूक हेलीकॉप्टर से ले जाया गया। एम्स में डॉक्टर्स ने सभी मजदूरों की जांच की। सीएम धामी ने चिन्यालीसौड़ अस्पताल पहुंचकर मजदूरों का हाल जाना और मजदूरों को 1-1 लाख का चेक भी दिया। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत से एक कलाकृति बनाकर बचाव में जुटी टीम को बधाई दी। तो वहीं केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर पीएम मोदी के मार्गदर्शन की तारीफ। जब मुखिया परिवार का मार्गदर्शन ठीक करता है, परिवार ठीक चलता है। 41 मजदूर तो टनल से बाहर आ गए, लेकिन पूरा देश इन मजदूरों को बाहर निकालने वाले हीरोज की चर्चा कर रहा है। मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने वाले एक्सपर्ट्स में आर्नोल्ड की बड़ी भूमिका रही, तो राइट माइनर्स की टीम ने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया। रेस्क्यू के बाद एनडीआरएफ की टीम ने भी खुशियां मनाई। देश राइट माइनर्स को हीरो कह रहा है और उनके हौसलों की तारीफ भी कर रहा है। हमने कंपनी को बोला था, सर आप हमें मौका दे और हम आपको निराश नहीं करेंगे, हम इसको काम को आपको करके दिखाएंगे। दिक्कत तो हमें पत्थर काटने में भी आई और ये सरिये वगैरह जो भी आए, गाटर चैनर वगैरह पाइप वगैरह भी आए, इन्हें भी काटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई, पर लेकिन दिक्कत तो ये सारी खत्म करके उन लड़कों को निकालना था। जम्मू कश्मीर की शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी के 7 छात्रों को देश विरोधी गतिविधि के आरोप में गिरफ्तार करने पर पीडीबी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भड़क गई हैं। छात्रों पर भारत की वर्ल्ड कप फाइनल में हार पर जश्न मनाने का आरोप है। अगर किसी लड़के ने, किसी स्टूडेंट ने गुस्ताखी की है, बहुत गलत है, उनके खिलाफ यूएपीएल लगाया गया जो बिल्कुल नाजायज है। स्टूडेंट्स को एक मौका मिलना चाहिए। भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का काम जोर शोर से चल रहा है। इसी बीच राजस्थान की श्री श्री महर्षि संदीपन राम धाम गौशाला द्वारा जोधपुर से रामलला की आरती के लिए 600 किलो घी भेजा जा रहा है। खास बात यह है कि जोधपुर से 600 किलो घी को 5 बैलों वाले रथों में 108 कलश में भरकर भेजा जा रहा है। ये रथ 22 जनवरी से पहले अयोध्या पहुँच जाएगा। यूपी के गाजियाबाद में मेरठ नारकोटिक्स विभाग की टीम ने 1 करोड़ से ज्यादा की प्रतिबंधित दवाई जब्त की है। मुखबिर की सूचना के बाद यूपी बॉर्डर पर जाल बिछाकर पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। जो प्रतिबंधित दवाई है, उस दवाई की खेप को पकड़ा गया है जिसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से इस गाड़ी में यहां से उस खेप को, बड़ी खेप को ले जाया जा रहा था। यह पहले बिहार जाती और बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में उसे ले जाया जा रहा था। पुलिस का दावा है कि 15,000 सिरप की इन बोतलों को नशीले पदार्थ में इस्तेमाल किया जाना था। इसमें 3 अभियुक्त मौके से गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही वाहन भी बरामद हुआ है जिसमें लोग इनको छुपा कर ले जा रहे थे। इसकी कुल मार्केट कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब है। लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने आज विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच किया, तो पुलिस ने अभ्यर्थियों को खदेड़ दिया। हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस बस में भरकर ले गई। इस दौरान अभ्यर्थियों के पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। दरअसल यूपी विधान भवन में विधानमंडल का शीतकालीन सत्र चल रहा है, इस दौरान यहाँ पर किसी तरह का धरना प्रदर्शन, रैली, जनसभाएं करना प्रतिबंधित है। हरियाणा के रेवाड़ी में मामा ने भांजी का भात दिया तो लोग देखते रह गए। भात में मामा ने 1-2 लाख नहीं बल्कि 1,01,11,000 कैश दिया। विधवा बहन के घर भाई ने नोटों की गड्डियों का ढेर लगा दिया। अब भात में दिए गए कैश का वीडियो खूब चर्चा बटोर रहा है। दरअसल युवक के जीजा की मौत 6 साल पहले हो गई थी। जीजा की मौत के बाद भाई ने बहन की जिम्मेदारी उठाते हुए न केवल रेवाड़ी में घर बनाकर दिया बल्कि उनके बच्चों की शादी में भी भरपूर सहयोग किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़,
आपको रखे आगे।